not a game, it's a red stick. फेमस दुकान है और वो मेरे ख्याल से नया हूँ मैं भी यहाँ पे, लेकिन एक जो मेरे साथ जो भैया पिछले वीडियो में थे जिनके साथ हम मेघदूत गार्डन गए थे, तो उन्होंने बताया था कि एक फेमस यहाँ पे दुकान भी है और मैंने आसपास के आम लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी मुझे उसी होटल को सजेस्ट किया। तो आज करने वाले हम मटन को एक्सप्लोर और आपको बताने वाले वहाँ के टेस्ट के बारे में। तो यार आप लोग अगर इंडियन हो तो इस वीडियो को स्किप करने से पहले बस 2 मिनट अपने इंडियन भाई के लिए निकाल लो। क्या हुआ कि जो हमने पिछला वीडियो अपलोड किए थे जो कि था पराठे के बारे में, तो उसमें एक पाकिस्तानी बंदे ने ये कमेंट कर दिया कि भाई तुम इंडिया के भूखे नंगे लोग खाने के बारे में क्या जानते हो। तो मैं उनके लिए बस उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि भाई तुम इंडियन लोगों को ऐसा भूखा नंगा मत समझो। हर किसी को पता है कि किसकी औकात पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या है, है ना। तो हम इंडियन जैसे भी है, लेकिन मैं अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं शेख तौफीक मेरा नाम है और मैं मुस्लिम हूँ तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो जी नहीं। मैं शेख तौफीक होने से पहले और मुस्लिम होने से पहले एक भारतीय हूँ और इस बात का इतना गर्व है कि जब भी मेरे देश का नाम कहीं आता है तो मेरा सिर गर्व से और भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। और जो लोग इंडियन है यार वो लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं यार हम अपने डेस्टिनेशन पर। और यहाँ पर हम वेज और नॉन वेज दोनों की मेकिंग देखने वाले और ट्राई करेंगे चिकन मटन और जो भी यहाँ पे अभी प्रेजेंट में बनाई जा रही है रेसिपी, और बताएंगे आपको इसकी मेकिंग क्या होती है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि आगे बहुत ही मजा आने वाला है। फाइनली गाइज हम आ गए पसंद फूड पॉइंट पर और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग चल रही है। जानते हैं यहाँ के उस्ताद से कि ये क्या बनाने वाले आज। तो उस्ताद आप कब से बना रहे हो यहाँ पे खाना? 7-8 साल हो गए। तो आपको एक्सपीरियंस है या पहले कहीं बनाते थे या यहीं से सीखा? नहीं, पहले ही बनाते थे, मैं कटनी में था। अच्छा, और आप रहने वाले लोकल कहाँ के हो? मैं झांसी का रहने वाला। अच्छा, आप झांसी के रहने वाले हो। तो अभी आप क्या बना रहे हो? अभी चिकन मसाला बन रहा है। अभी चिकन मसाला बन रहा है। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग। हम मिलते हैं यहाँ पे पसंद फूड पॉइंट के ऑनर से और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये खाने की मेकिंग कब से कर रहे हैं वेज और नॉन वेज की। तो ये सब आप कब से कर रहे हो? हमें ये करते करते 15 साल हो गए हैं। एक्चुअली 15 साल से रेस्टोरेंट यही ओपन है। रेनियो हमारा एड्रेस यहाँ पे है, परदेशीपुरा सुभाष नगर मेन स्क्वायर है, यहीं से 1/7। आप गूगल पे भी गूगल कर सकते हैं पसंद फूड पॉइंट के नाम से, स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको उसके अंदर। तो गाइज यहाँ की लोकेशन हम गूगल मैप पे दे देंगे और गूगल मैप पे आप कहीं से भी दुनिया में आप उस पर क्लिक करके यहाँ तक के आ सकते हो। और आप देख सकते हो कि इनके किचन में अभी रश है और शाम का समय है और परदेसी पूरा एरिया के साइड में है, और बाकी तो आपको यहाँ की गूगल मैप लोकेशन हम दे ही देंगे। तो यहाँ के उस्ताद अभी एक नई डिश बनाने वाले, तो इनसे जानने की कोशिश करते कि क्या बनाने वाले हो। क्या बनाने वाले हो आप? बटर चिकन बना रहा हूँ। आप बनाने वाले हो बटर चिकन? तो उस्ताद बनाने वाले बटर चिकन, आइए इसकी मेकिंग देखते हैं। Oh, 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 oh,
कस्टमर का जो ऑर्डर था उनसे रिव्यू लेंगे कि कैसा का टेस्ट है। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? सौरभ, सौरभ विजय भाई। तो सौरभ भाई आप कब से यहाँ पे खाना खा रहे हो? आई थिंक 6 साल हो गए आते। आपको 6 साल हो गया यहाँ पे? आप यहाँ से लोकल हो? जी हाँ, इंदौर से हूँ। तो सौरभ भाई आपने यहाँ पे और कौन कौन सी डिश को ट्राई किया है? मैंने चिकन हंडी ट्राई किया है, कढ़ाई चिकन ट्राई किया, मतलब लगभग सारी ट्राई किया, चिकन में सारी रेसिपी ट्राई की। तो इसमें कोई ऐसी डिश है जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट हो और आप उसको खाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा आए हो? हाँ, बटर चिकन। बटर चिकन, तो सौरभ भाई की बटर चिकन फेवरेट डिश है और ये यहाँ पे अक्सर यही खाने आते हैं और अभी भी इनका ऑर्डर वही लगा है। तो बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला है गाइस। अगर आपको यहाँ पर इस फूड पॉइंट तक आना है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी और आप उस पर क्लिक करके परदेसीपुरा इंदौर में इस डायरेक्ट लोकेशन पे आ सकते हैं। हमारी बिडिस आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हमने चिकन ऑर्डर किया है और अभी इसका खा के रिव्यू करेंगे। और हमारे साथ यहाँ के कुछ भाई लोग ने भी चिकन बनवाया है स्पेशली, तो इनसे भी जानेंगे कि कैसा क्या टेस्ट है यहाँ का। तो भाई साहब आप कब से यहाँ पे खाना खा रहे हो? मुझे हो गए कम से कम 1 से 1.5 साल और अभी तक मैं पूरे इंदौर में अच्छे अच्छे होटलों पर चिकन खा चुका हूँ या बनवाने को देने के बाद में भी खा चुका हूँ, पर ऐसा टेस्ट आज तक किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी होटल में मुझे नहीं मिला। यहाँ का टेस्ट इतना ज़बरदस्त और लाजवाब है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक बार यहाँ पे आएगा तो उसको आप खुद का खुद पता चल जाएगा कि कैसा टेस्ट है। तो गाइस बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है भैया ने कि बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त टेस्ट है और ये लोग भी बहुत पहले से खा रहे हैं और आज हम भी यहाँ का रिव्यू करने वाले। यहाँ पे आप प्लेट की तरफ देखोगे तो ये प्रॉपरली मुझे तो कुक दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे प्रॉपरली देखेंगे तो ये देखिए प्रॉपरली कुक है और पूरी तरह से इसमें मसाले मिले हुए और ये देखिए आपकी वेल्ड कुक है और पूरी तरह से मसाला मिला हुआ है। तो अभी हम रिव्यू करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा इसका टेस्ट। टेस्ट कर लिया है बटर चिकन और टेस्ट यार ऑसम था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रॉपर कुक्ड था, वेल कुक्ड था और मसाले का भी स्वाद एक एक कण कण में आ रहा है चिकन के, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप भी अगर खाना चाहते हो यहाँ पे चिकन, चिकन बिरयानी, बहुत सारी डिशें हैं, आप आ सकते हो परदेसीपुरा में और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और हाँ, जो लोग इंडियन हैं वो लोग सपोर्ट कर देना, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था आपको वो वाला मुद्दा, तो वो भाई लोग सपोर्ट कर देंगे। और मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली डिश में, तब तक के लिए यार जय हिंद, वंदे मातरम।